वीर है दिया बनाए उस सब हुआ एक
भारी। राजपत्र सब पहुंचे आए जिसमें कुल से बाहर का कोई और भी आवे जावे ना जिसमें कुल से बाहर का कोई। समझ में आवे ना यही रंग साला राजपूतों का सूद के पूतों का है ना नीच घमंडी महादुष्ट तू। अर्जुन कर्ण को राह दरिया रणचंडी के हृदय की निस दिन जिसके हाथों प्यास बुझाए कर्ण है सा महाबली जिसके भय से काल भी डरता आए कर्ण है जिसके भी खड़ा है शीश झुकाए इतना सुन दुर्योधन बोला कर्ण नीच है अब से ना अंगिराज यही मेरा अब से। सुन ले अर्जुन ध्यान लगाए सूत पुत्र अब जो भी कहेगा उसको जीवित छोड़ो ना मारे गदा से उस अभिमानी को का मस्तक में दे उड़ा कर्ण को गया ठुकराए गर्वीली छत्राणी ने फिर दिया व्यंग का बाण चलाए लक्ष्य भेद ने चला कर्ण जब कड़क द्रौपदी बोली आई सावधान मत आगे बढ़ना सोचा है जो होगा ना सूत्र पुत्र के साथ में मेरा गठबंधन हो सकता ना सूत पुत्र के में मेरा सभा में कर्ण ले जाए बैठा मौन साध के कुछ पल फिर सूरज कोने ने उठाए देखा जाने क्या कर थाना मन ही मन कुछ कही न जाए लज्जे भेद डाला अर्जुन ने क्षण में धनुष पे बाण चढ़ाए द्रौपदी सुता पर माला लेकर अर्जुन गरे दिया पहराए द्रौपदी सुता पर जी है आई ऐसी चाल चली सपनी ने दिया पांडवों को भरवाए हार गए जुए में द्रौपदी राजपाट कुछ बचा है ना सुन आदेश दुशासन दौड़ा कैसे पकड़ लाया घिस्टाए देख दुर्दशा द्रौपदी सुता की बोला विकर्ण ये कैसा न्याय देख दुर्दशा द्रौपदी सुता की
समझ में आवे ना सभा भवन की राजनीति। तू धर्म नीति को जाने ना दास है पांडव आज से मेरे, रखूं द्रौपदी दासी बनाए दुशासन मत ठहर द्रौपदी। मेरी बारी आई कल की बारी इसकी थी। अब डोल गया इंद्र सुन सुन के धरती अंबर गया थर्रा, लेकिन भीष्म पिता महाज्ञानी गुरु पांडव कुछ बोला तिनाए दुर्योधन हुआ अति प्रसन्न। अब तब तक मुझे चैन ना आया यही कठोर प्रण वीर कर्ण का। सुन दुर्योधन गया हरसाए अर्जुन मेरा प्रबल शत्रु, जो कर्ण के हाथों मारा जाए अर्जुन मेरा प्रबल शत्रु जो। कैसे हाय बलि कर्ण के हाथों हरदम विजय पताका है लहराए भीष्म द्रोण कृप अश्वत्थामा। सबके आगे वीर कहाए कवच और कुंडल जब तक है तब तक उस पर असर हिनाए, अगर युद्ध छिड़ गया तो लोहा लेगा कौन सामने आए, अगर युद्ध छिड़ गया तो लोहा। अर्जुन
छन भर टिके भी ना तब तक समर में तेरे आगे। सोचूं मैं सपने ना अर्जुन बाण चलावे कितना छेद सके इस बदन को ना यह बलवान शरीर हमारा। अर्जुन पे भारी पड़ जाए मैं हूँ उसकी मृत्यु और मैं ही उसका हूँ काल कहा उसे भस्म करके मैं रख दूं। मैं ही हूँ वह बली बलाए उसे भस्म करके मैं रख दूं। जिसको जाना जाए रहा शत्रु से मुझे बचाता तन से मेरे अलग है ना फिर भी इन्हें आपको दूं। अब कुंडल कवच है मेरे ना फिर भी इन्हें आपको दूं। अब कितना कह
तुम्हारी। अधिकारी नाय बरसो बीत गया दुख सहते, पांचों पांडव को अन्याय रही मांगते कौरव दल से। विनयपुर पांडव दल न्याय सभी यंत्र बेकार हो गए, कहे दुष्टुर कृष्ण कनाय होने लगी है रण तैयारी। तुम जा कर के दो समझाए होने लगी है रण तैयारी। दुर्दिन की घिर रही घटाए प्रलय काल मचने को आए, शांति दूत बन शांति करो विद्वान संत ज्वाला देव बुझाए। कुटिल कौरवों को के सबे समझाए पर कोई माने ना, युद्ध चाहिए युद्ध कृष्ण के। सन्मुख दुर्योधन चिल्लाए लौटे जब श्री कृष्ण कर्ण को, कर संकेत लिए बुलाए आदर और प्रेम से अपने। पास में रख लिए बैठार आदर और प्रेम से अपने। युद्ध भयंकर पागलपन है दानवता मानवता ना, ऐसे पाप कार के क्यों तुम बनते हो हे कर्ण सहाय। इतना सुनकर कर्ण की आंखों से जल धारा निकली आई, कहा कृष्ण में धन्य हो गया। पावन स्नेह तुम्हारा पाए लेकिन पुत्र अधीरक का मैं। कुंती मेरी माता ना, स्नेह के बदले जब कुंती ने दिया मुझे सरिता में बहा, स्नेह के बदले जब कुंती ने। बुझने वाली ज्वाला नाय अब तो होगा वही कि जो निश्चित है रुकने वाला नाय। तब बोले श्री कृष्ण कर्ण तुम अहंकार से रही तिराय, अर्जुन की गांडी भी भीम की कदा पराजित होगी नाय। इतना सुनकर हंसा कर्ण की, सच कहते हो कृष्ण कन्हा। इतना सुनकर हंसा कर्ण की, विजय होंगे भीम अर्जुन ही क्योंकि उनके
महावीर बलबीर कहा रणभूमि में अर्जुन जैसे वीरन की है गिनती ना। फिर बोला है कर्ण कृष्ण से भावी डरने ना ही डरा लिखा तुम्हारा हो बेगा ही व्रत की लीला रहे रचा। देख रहा हूँ महामृत तुम्हें हसरन भेरी रही बजा। देख रहा हूँ महामृत तुम्हें है रुकता ना। यही सोच कर कुंती कर्ण के आश्रम पहुंच गई है धाय। बोले पड़ा है कर्ण देख के हे महारानी देव बताए क्या कारण है सूत पुत्र के सन्मुख आप गई है आए। सूत पुत्र राधे आप से पूछ रहा है शीश नवाए। सूत पुत्र राधे से सूत का पुत्र कहा मत कौन ते कहो तुम मुझको। मुझे दिया बनाए क्यों तुम उस दिन सबके सन्मुख कहा नहीं ममता को दिखाए। राजपूत है कर्ण यहाँ का सूत पुत्र है बिल्कुल ना। उस दिन दिया नरक की ज्वाला मैं चुपचाप मुझे धिक्याए और चली हो आज खेलने। पुत्र प्रेम का खेली रचाए और चली हो आज खेलने। जन्म दिया तो क्यों न दिया तुम जननी का है प्यार लुटाए। जननी होकर किया कपट क्यों तूने दिया मुझे बिसराए। माँ होकर के माँ की ममता से है दिया मुझे ठुकराए। फिर भी तुमने कहा है बेटा करूं प्रणाम में शीश झुकाए। फिर बोला क्या मन में लेकर आई मुझको देव बताए। हे देवी तुमने ठुकराया मैं तुमको ठुकराऊं ना। हे देवी तुमने ठुकराया को मैं तो ना। यही तो
विदा। पांच रहे कम होंगे ना पुत्र तुम्हारे पांच सर्वदा। संख्या घटेगी ना वचन दे रहा हूँ तुमको मैं। हे देवी विश्वास दिलाए अर्जुन मेरा शत्रु एक है। शेष चार से लड़ूंगा ना अर्जुन को मैं मारूंगा ही। प्राण मेरा खाली ना जाए चाहे पलट जाए यही धरनी। चाहे अंबर ही गिर जाए चाहे पलट जाए धरनी।
भी कारण अपने मोह को मोड़ू ना अर्जुन को ना मारू जब तक तब तक मुझे चैन ना आए भली सारथी बने मुकुट धर साहस धैर्य को छोड़ू ना ग्यारहवे दिन गुरु दौड़ तब सेनापति बन लड़ने आए पांच दिनों के बाद दौड़ की जीवन रेखा गई मिटाए पांच दिनों के बाद दौड़ की बली अब कोई ना चला पवन की भांति देख के दहल गया देवता समुदाय पांडव दल भयभीत हो गया कौरव दल अब रहा गुर्राय काले पांडवों का बन करके कर्ण हर कदम बढ़ता जाए देखे उदुष्टुर उसकी गति को कहने लगे करूं क्या हाय देखे उदुष्टुर को की गति थमती जाए अवसर मिला कर्ण को लेकिन प्रण को अपने रहा निभाए भीम नकुल से देओ इदुष्टुर पर बाणों को छोड़ा ना भीम नकुल से देओ इदुष्टुर पर दिया चलाए शक्ति अमोध को खींच करने तक पूरी
पीछे गिरा है जाए हन के वार कर तब मारा। अर्जुन रथ को दिया हिलाए वाह कर ले कहे उठे कृष्ण तब तुम सायोधा कोई ना के सब मुख से कर्ण प्रशंसा। सुन अर्जुन बोला ऋषि आए कर्ण नहीं है मुझसे बलि क्यों मेरी प्रशंसा करते ना कर्ण नहीं है मुझसे बलि क्यों। कृष्ण ने दिया लखाए अर्जुन मत चूको अवसर है देव कर्ण को मारी गिराए बाण संभाल लिया अर्जुन ने गई एक शंका मन आए बाण संभाल लिया अर्जुन ने। Take
जल यहाँ मिलेगा ना, देना हो तो धो कर दे हो। आँखों से जलधार बहाए बार बार मुख देख देख के। वीर तुम सा कोई ना, युग युग तक तेरी जय गाथा गाएगी दुनिया हर साल, लेकिन कर्ण तो पहुंच चुका था स्वर्ग लोक दुनिया बिसराए। जय जय नाद किया अंबर ने, देव समूह भूल बरसाए, कर्ण धन्य तुम धन्य तुम्हारी, दानशीलता कही न जाए, धन्य धन्य प्रदीप हुए लिखवाए, धन्य में।